सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सुनिए नेताजी कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम पहुंचे हैं जनता का मिजाज जानने। आने वाले 30 तारीख को मतदान है और मतदान को लेकर जनता ने क्या मिजाज बनाया, किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, निवर्तमान विधायक का कार्यशैली कैसा रहा, क्या है उनका सोच, क्या चाहते हैं इस बार, तमाम हमारे साथ जो है बारी गाँव है जो डाल्टन विधानसभा के सतबरवा प्रखंड में आता है, क्या बोलते हैं निवर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, क्या लगा पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे कैसा कार्यकाल किए उनका? नहीं, वो तो कुछ नहीं किया। नहीं किया? नहीं। कैसा मतलब क्या लगा, कभी देखे हो? देखे हैं तो आप क्या बोलते हैं कैसा रहा? हम लोग को भी अच्छा, वो तो जीत के गए, इसके बाद हम लोग के पास अपना चेहरा भी नहीं दिखा है। कभी नहीं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? यहाँ प्रॉब्लम देखिए रहे हैं, जो आप लोग भी आए हैं बाहर से, जो रोड का देख रहे हैं हम लोग, मतलब कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कैसा, क्या क्या समस्या से जूझ रहे हैं? समस्या तो यहाँ बहुत सा है, लेकिन कोई समस्या के सकाधान नहीं हुआ, ना रोड बना, ना और कुछ, नाला को बोला उठा वो भी कोई काम नहीं हुआ। जब से चौरसिया जी जीत के गए हैं, 5 साल के दरमियान में एक दिन भी किसी जनता से मरण दिया का कोई पता नहीं लिए हैं। कभी नहीं देखे हैं? हाँ, नहीं कभी नहीं देखे हैं। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं? कभी नहीं, 5 साल के दौरान में कभी नहीं देखे हैं। नहीं देखे? क्या बोले? कभी नहीं देखे हैं सर, 5 साल में कभी नहीं? नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो कभी यहाँ पर नहीं, मतलब आप लोग कभी बुलाने का प्रयास नहीं किए? जितने घर जानते हैं, इतना मोहित पोजीशन में है, हम लोग जानते हैं कि उनका बेटी बहन नान के मेरे दूरा पर, हमारा नाम है मिठू राम, है मेरे पास 32 वोट। भैया एक बार मौका, हमारा पिताजी चौरसिया जी और चौरसिया जी उनका पुत्र है, एक बार मौका दिया जाए। हम कहे ठीक है भैया, ऐसा बात नहीं, हम जानते हैं कि आपका पिताजी बहुत बहुत व्यवहार में आते थे, लेकिन ऊपर वाला दिया था कि आप चले गए, लेकिन आपका ऐसा बेटी बहन मेरा दूरा पर आ गए, तो हम एक बार आपका सेवा करेंगे। जब सेवा करने के बाद ही आप थोड़ा सा घूम के देखिएगा, भगवान आप हैं, आज भगवान बना दिया तो पीछे जनता को देखना चाहिए। लेकिन आज मूर्ख चौरसिया जी मूर्ख बना दिया? नहीं, हम लोग को मूर्ख बना दिए। हाँ, आप लोग मूर्ख बन गए? मूर्ख बन गए वोट देकर का है। अब बाकी हम आपका पेट भर दिए। हाँ। अब जनता कुछ चाल के लिए, कोई भूखे मर रहा है, कोई शादी ब्याह का मर रहा है, आज मेरा आंख में लोक नहीं रहा है, मतलब आपको नहीं देखे, दगा दे दिए, दगा महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर गए जनता? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठगा। सबसे पहला सर, किसी भी गांव में जाने के लिए सबसे पहले सड़क की व्यवस्था होना चाहिए। हाँ। और सर, हमारे गांव में आप आए हैं तो आप सड़क का व्यवस्था देख ही रहेंगे, कितना हद बद से भी बदतर है। उससे अच्छा तो हमारा जो खेत होता है वो होता है, जब बरसात के समय में इसमें पानी जब भरता है तो आदमी सोचता है कि हम किधर से जाएँ, कि तो यहाँ पर कितना पानी होगा, यहाँ पर कितना पानी होगा। सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम था वो सड़क का था, जिसको भी वो पूरा नहीं कर पाए। कभी जीतने के बाद आए कि नहीं? जीतने के बाद सर, बस रांची रोड पर जब वो क्रॉस करते हैं रांची के लिए, हाँ। तो 180 के स्पीड में गाड़ी पार होता था, उनका चेहरा नहीं देख पाएगा, नंबर से जानिएगा कि विधायक जी पार हुए। और ये कभी मतलब चुनाव, इस बार चुनाव में आए कि नहीं? चुनाव में अभी तक इस गांव में एंट्री नहीं किए हैं। इस बार भी नहीं है? बोला हम सेवा करेंगे, आपके पास तो चला गए, फिर सेवा हम करेंगे। हाँ बोले हैं, आए किए हैं, तब उम्मीद है कि हाँ जी, उम्मीद तो है, हाँ जी है, उम्मीद है तब चलिए, उम्मीद है। आप बताइए क्या विधायक है, विधायक देखे नहीं देखे, क्या बताए विधायक का कौन आप विधायक सेवा किए हैं? हाँ, आपको बताइए विधायक को कभी देखे? जानना है, नजर पड़ी है विधायक पर, तो नजर पड़ल है, हम लोग करीबी आदमी है, लेकिन कामयाब विधायक नहीं। कामयाब विधायक नहीं? आपका क्या बोलते हैं, बोलिए ना, भाग कह रहे हैं, कैसा है विधायक का कार्यकाल रहा? तो बहुत खराब रहा। हाँ, और कभी आज तक भी नहीं गए? नहीं है, खेत में घूमने नहीं। चलिए ये है, आप बताइए विधायक को कभी, विधायक के क्रियाकलाप को बताइए कैसा है? बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बुरी है। उसका तो नाम ही मत लीजिए, नाम लेने में हम लोग का शर्म लगता है, नाम लेने में शर्म लगता है, शर्म लगता है। क्यों? उसके लिए हम लोग बहुत कुछ किए, ठीक है, लेकिन आज हम लोग भी कार्यकर्ता एक समय थे उसका, फिर एक बार ये भी नहीं सोचा अपना कार्यकर्ता बच्चों में, फिर उसका नाम लेना शर्म नहीं रहेगा? अब उनके नाम पर वोट मांगने में शर्म लग रहा है? वोट मांगने में नहीं, उनका नाम लेना शर्म लग रहा है।
उनके नाम लेने में शर्म लग रहा है। क्या बोलते हैं कार्यकाल कैसा रहा? हाँ कहाँ कुछ काम हुआ है यार? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। ये जीत के गए हैं, अभी आए हैं, एक दिन आए थे यहाँ पर अभी फिलहाल में। हाँ हाँ कुछ नहीं ना, नहीं रहा। नहीं 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 चुनाव के वक्त आए नेताजी और कई वायदे कर गए, चुनाव के बाद ऐसे गायब हुआ कि किसी ने चेहरा तक नहीं नहीं दिखाया। समस्या तो दूर करने की बात, किसी से सुख दुख में भी सफर साथ नहीं आए। कैसे विधायक जी को देख जाने, ये कई लोग चेहरा नहीं देखे। हाँ क्रॉस करते गाड़ी को जरूर रांची की ओर देखते, वो भी 180 की स्पीड में गाड़ी से क्रॉस करना। यही कहना है बारी गाँव के लोगों का, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता जो रहे हैं पिछले चुनाव में, इस बार कहना उनका उनका नाम लेने में भी अब शर्म महसूस होता है, क्योंकि उनके उनके कार्यकर्ता उनके लिए वोट मांगे थे पिछला बार और ये भी दावा किए थे कि वो चुनाव जीतेंगे तो इस गांव का विकास करेंगे, लेकिन हुआ वही ढाक के तीन बार। विधायक जी जरूर जीते, विधायक जी गरीब से अमीर जरूर बन गए, लेकिन जनता जो है हटेहाल रह गई, मतलब जनता जहाँ थी वहीं रह गई, विधायक जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गए। यही कहना है बारी गांव के लोगों का, और इस बार बारी गांव के लोगों का जिस तरह से मिजाज है वो तो आने वाला 30 तारीख को ही पता चलेगा कि बारी गांव के लोग क्या करेंगे और कैसे मतदान क्या सोच कर देंगे। कैमरामैन पप्पू के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़।